दरभंगा एयरपोर्ट को अंडर कंस्ट्रक्शन चालू किया गया है क्योंकि इलेक्शन था, तो रनवे का अभी तक दो कोटिंग बाकी है दरभंगा एयरपोर्ट का, बट वो अभी तक प्रॉपर एयरपोर्ट बन के तैयार नहीं है। दरभंगा एयरपोर्ट के रनवे पे लाइट तक का व्यवस्था नहीं है, जो एंटी फॉग सिस्टम जो कि दरभंगा एयरपोर्ट में ये भी नहीं है। बहुत बड़ा हादसा हुआ था 90 के दशक में, और एरोप्लेन जो है वो मतलब ATC से कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहा है क्योंकि DVOR का सिस्टम ही नहीं हम लोग के एयरपोर्ट पे। जो नॉर्मल हाइट होता है मतलब ATC का, वो दरभंगा एयरपोर्ट का बहुत ही छोटा, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। एक्चुअली इसके ऊपर बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्सी हो रही है दरभंगा में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक, आप देख रहे हैं मिताब लोग यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम लोग दरभंगा एयरपोर्ट के बारे में बात कर रहे हैं जो कि दरभंगा विद्यापति एयरपोर्ट है, और एक्चुअली इसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो रही है दरभंगा में, और माथा पूरा तरह से गुस्सा हो चुका क्योंकि उन छोटे चंद यूट्यूबर की वजह से जो कि व्यू और पैसा कमाने के लिए किसी भी हद तक लेवल नीचे गिर सकते हैं वो लोग। तो उन लोग का आप देखिए बहुत सारा बात बता दो, वो लोग सबसे पहले छोटा छोटा मतलब टॉपिक सब वो कवर करते हैं जो कि कभी है ही नहीं, उसके लिए सरकार ने ऑलरेडी मतलब क्या कहते हैं इंतजाम करके रखा हुआ है। अफवाह फैला रहे हैं भाई एयरपोर्ट में ये नहीं है वो नहीं है, और रिसेंटली 3 फ्लाइट कैंसिल हुआ दरभंगा से ड्यू टू फॉग का। बट मैं आपको बता दूं दिल्ली जो है वहाँ से रोज 50 से 40, 50, 60 ऐसे एरोप्लेन कैंसिल हो रहा है क्योंकि फॉग विजिबिलिटी वहाँ पर भी नहीं है, बट दरभंगा का हाइप क्रिएट किया जा रहा है कि यहाँ पे बहुत सारा मतलब जो है ना कमी है। तो कुछ पॉइंट यहाँ पे नोट्स किए हैं, मतलब हम लोग के एयरपोर्ट का गलती क्या है और मतलब हम लोग के एयरपोर्ट में कमी क्या है। सबसे पहली बात मैं आप लोग को बता दूँ, दरभंगा के मतलब जो यूट्यूबर्स हैं बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं वो आप लोग को रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। बहुत सारे यूट्यूबर जिसमें मतलब मैं एक बात बोलता हूँ, जैसे कि हाथों जैसे 5 उंगली बराबर नहीं होता, वैसे मैं सभी यूट्यूबर के तराजू पे मतलब तोल नहीं सकता हूँ, वैसे ही मतलब बहुत सारे यूट्यूबर जो कि जेन्युइन मतलब न्यूज़ देते हैं, बट कुछ यूट्यूबर जो है गिने चुने यूट्यूबर्स तो उसमें से वो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचा रहे हैं। और BJP उनके उड़ान योजना के तहत दरभंगा का एयरपोर्ट चालू हुआ है जो कि उत्तर बिहार को पूरा उत्तर बिहार के लिए बहुत गौरव की बात है, और सारा उत्तर बिहार का ट्रैफिक अब आ रहा है दरभंगा में। और मतलब बाहर का पैसा मतलब बोला जाए ना कि बाहर का पैसा जैसे कि दूसरे डिस्ट्रिक्ट का पैसा वो दरभंगा में आ रहा है, ये बहुत ही अच्छी बात है, प्रोग्रेस हो रहा है। बट विजिबिलिटी की बात कर ली जाए तो दरभंगा एयरपोर्ट पे विजिबिलिटी ना के बराबर है। मैं वहाँ पे गया था शूट करने, तो वहाँ पे हमको एरोप्लेन को लैंड करने के लिए मतलब 1000 मीटर का विजिबिलिटी चाहिए, बट मैं वहाँ शूट करने गया था हमको 300 मीटर तक का विजिबिलिटी देखने को नहीं मिला, जो कि हम लोग दरभंगा एयरपोर्ट पे नहीं है। और बहुत सारा बात किया जाए दरभंगा एयरपोर्ट पे, तो रनवे का अभी तक दो कोटिंग बाकी है दरभंगा एयरपोर्ट का, जो कि अभी सिंगल कोट हुआ है बट अभी दो कोटिंग होना बाकी है दरभंगा एयरपोर्ट का। तो इस सब के ऊपर भी गवर्नमेंट ध्यान नहीं दे रही है। दरभंगा एयरपोर्ट को अंडर कंस्ट्रक्शन चालू किया गया है क्योंकि इलेक्शन था, NDA का गवर्नमेंट बनना था, तो इसलिए उसको अंडर कंस्ट्रक्शन चालू कर दिया गया एयरपोर्ट को, बट वो अभी तक प्रॉपर एयरपोर्ट बन के तैयार नहीं हुआ। 373-800 मतलब ये जो है एरोप्लेन दरभंगा में लैंड करता है बोइंग का, तो ये मतलब एरोप्लेन का कुछ जानकारी था। और लैंडिंग रनवे पे DVOR नहीं है। DVOR की बात कर लो तो उसका फुल फॉर्म होता है डॉवलर वेरी हाई फ्रीक्वेंसी ओमनी रेंज, जो कि दरभंगा एयरपोर्ट पर नहीं है। अगर बोलिए कि ये क्या चीज़ होता है, हम लोग को इसके बारे में मालूम नहीं है, नॉर्मल यूजर को ऐसे ही मालूम नहीं रहता है। तो DVOR ये होता है कि आप एरोप्लेन जो होता है वो ATC से कम्युनिकेट कर रहा है, ATC यानी कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल, जो कि दरभंगा एयरपोर्ट पर है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल की मैं आपको बात कर लें अगर हम लोग, तो पूछिए ही मत, क्योंकि जो नॉर्मल हाइट होता है मतलब ATC का, वो दरभंगा एयरपोर्ट का बहुत ही छोटा, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो वो भी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ। और एरोप्लेन जो है वो मतलब ATC से कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहा है क्योंकि DVOR का सिस्टम ही नहीं हम लोग के एयरपोर्ट पर। तो ये कुछ है दरभंगा एयरपोर्ट का गलती। और मैं गिनाना चाहूँ तो यहाँ पे बहुत सारी लिस्ट की मतलब लाइन खत्म ही नहीं होता है। दरभंगा एयरपोर्ट के रनवे पे लाइट तक का व्यवस्था नहीं है, जो आप रात में जब एयरोप्लेन लैंड किया जाता है तो दरभंगा रनवे पे आप लोग मतलब किसी भी रनवे पे आप देखते होंगे तो लाइटिंग का व्यवस्था होता है, जिससे कि मतलब पायलट को पता चल जाता है एयरोप्लेन को लैंड कहाँ करना है, कहाँ पे स्टॉप करना है। तो बट वहाँ पे दरभंगा एयरपोर्ट पे नहीं है। वहाँ पे शाम होने 6 बजे से पहले ही जितना भी एरोप्लेन का जाना आना होता है सब कंप्लीट कर दिया जाता है, क्योंकि सनलाइट में होता है। और उसके अलावा लाइटिंग व्यवस्था करें तो दरभंगा एयरपोर्ट में बिल्कुल भी लाइटिंग नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं और फॉग की, जैसे कि अभी रिसेंटली समस्या आ रहा है एंटी फॉग सिस्टम, जो कि दरभंगा एयरपोर्ट में ये भी नहीं है। जो बाकी जो एयरपोर्ट होता है, पटना की बात कर लिया जाए तो 1990 के बाद वहाँ पे एंटी फॉग सिस्टम नहीं था। 90 के दशक में पटना एयरपोर्ट में ये हुआ था कि रनवे पर से मतलब प्लेन जो है लैंड करते करते घर में घुस गया था डायरेक्टली। बहुत बड़ा हादसा हुआ था 90 के दशक में, आप लोग पढ़ सकते हो आर्टिकल, और मैं विद प्रूफ बात करता हूँ, विदाउट प्रूफ मेरे चैनल पर आपको फेक वीडियोज़ और न्यूज़ तो मिलेगा ही नहीं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी मतलब फेस कर रखा है फेक न्यूज़ पे क्या होता है क्या नहीं होता। मैं जानता हूँ इन लोगों को, छोटी मेंटेलिटी वालों को, कि छोटे छोटे न्यूज़ पे बना करके अपना चैनल मोनेटाइज कर लेंगे, अपना थोड़े से पैसे थोड़े से व्यू कमा लेंगे, अपना नाम बना लेंगे, बट वो कितना नाम बना पाएंगे, कब तक आगे जा पाएंगे। 31 एकड़ का जमीन चाहिए टैक्सी यार्ड के लिए। टैक्सी यार्ड क्या होता है, जैसे किसी एरोप्लेन जो है वो मॉर्निंग में टेक ऑफ करेगा तो, बट वो रात भर अगर एरोप्लेन पर रहेगा तो उसके लिए टैक्सी यार्ड बनाया जाता है, तो उसमें एरोप्लेन को रखा जाता है, जिसके लिए 31 एकड़ जमीन चाहिए। बट वो भी नहीं हो पा रहा है क्योंकि NH 105 के पास है, सामने में हाईवे और वहाँ पर नहीं हो पा रहा है। अब जाने आने की सुविधा की बात कर लिया, दरभंगा एयरपोर्ट पे जाने आने की भी सुविधा नहीं है, और यहाँ पर मतलब जहाँ से पैसेंजर जाते हैं वो इंडियन एयरफोर्स के अंतर्गत आता है, इंडियन कैंटीन है, कैंटीन मेस आप कह सकते हैं, इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स यूज करते हैं। गवर्नमेंट जमीन का उपयोग किया जाता है, वहाँ पूरा सिक्योरिटी चेक होता है ये वो, और नॉर्मल आदमी को पैदल लगभग 500 मीटर की दूरी तक जाना पड़ता है, 500 से 1 किलोमीटर का दूरी है वहाँ से एयरपोर्ट की तरफ। और VIP लोग सब जो होते हैं, जो नेता है राजतंत्र में जिनका मतलब चल रहा है दरभंगा में, वो डायरेक्टली कार लेके जाते हैं, डायरेक्टली जनता में जाकर कार डाल देते हैं अपना, मतलब क्या कहते हैं उन लोग के लिए VIP सेवा है, जो VIP आदमी उन सब के लिए VIP सेवा है, जिसका जान पहचान है ऊंचा तक पहुँचा है।
बट नॉर्मल लोग की बात कर लीजिए, तो उसके लिए कोई पहचान नहीं होता जिसका, तो उसके लिए कोई व्यवस्था ही नहीं। और बात किया जाए इसकी एरोप्लेन की टिकट की, उड़ान योजना के तहत जो एरोप्लेन का टिकट है बहुत ही ज़्यादा महंगा दरभंगा का, बाकी एयरपोर्ट के मुकाबले दरभंगा का एयरपोर्ट का टिकट का प्राइस बहुत ही ज़्यादा हाई है। और आई थिंक कि बहुत सारी इंडिगो कंपनी सब ने भी बोला है कि दरभंगा एयरपोर्ट पे आएंगे, वो बोल रहे हैं। तो देखिए अब टिकट का प्राइस मतलब कैसे क्या होता है, बट कहा जाए अगर व्यवस्था नहीं है तो कोई एरोप्लेन कंपनी आना ही नहीं चाहिए दरभंगा में। और सबसे लास्ट में बस यही था कुछ दरभंगा एयरपोर्ट का मतलब बात आप लोग के पास मैंने रखा। आप लोग जानिए कैसे कि आप लोगों को क्या करना है, बट मैं यही कहूँगा कि दरभंगा एयरपोर्ट अभी चालू होने के लायक हालत में नहीं था। गवर्नमेंट तो बन गई, अब जान की खतरा, एक एरोप्लेन में 200 से 300 आदमी रहते हैं, तो जान की खतरा आपकी है, तो आप सोचिए आपको क्या करना है। और कंस्ट्रक्शन वर्क नहीं होता, आप लोग सरकार को कम से कम गवर्नमेंट को टैग कीजिए, ट्वीट कीजिए और मैसेज कीजिए किसी भी तरह से कि उसको जल्दी जल्दी काम करें, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ ना तो एयरपोर्ट पर बहुत बड़ा हादसा हो सकता है, 200 से 300 लोगों की जान जाना निश्चित है। और यहाँ पर बात की जाए तो आप उन यूट्यूबर से बच के रहिए जो मिसलीड करते हैं आप लोगों को। और बस यही था इस वीडियो में, उम्मीद करता मैं आपको ये वीडियो पसंद आया, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, कोई सवाल या सुझाव या फिर नेक्स्ट किस टॉपिक का वीडियो देखना चाहते हैं नीचे कमेंट करके बता दें, मैं इस टॉपिक की वीडियो बना दूंगा। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।